नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहें यूथ कॉर्नर। मैं शिवकुमार प्रजापति। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग मंत्री ने किया नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण। आइए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में औचक निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश कर्मचारी आयोग मंत्री लालमणि उर्फ लाल बाबू वाल्मीकि पहुंच गए, जहां पर कई खामियां देख काफ़ी नाराज हुए और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने पत्रकारों से हुई बातचीत में मंत्री लालमणि जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन का सपना है, उसी कड़ी में हम आज आजमगढ़ जिले के नगर पालिका परिषद व सभी नगर पंचायत का सर्वेक्षण कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सफाई आयोग का उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राजमंत्री घोषित किया गया है। 1 लाख से ज़्यादा सफाईकर्मी जो पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, जो विकास से कोसों दूर हैं, उनके लिए हमारे मंत्री व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 24 घंटे लगे हुए हैं। आगे क्या कुछ कहा दर्जा प्राप्त राजमंत्री लालमणि वाल्मीकि ने, देखें हमारी रिपोर्ट में, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग मंत्री लालमणि वाल्मीकि ने क्या कहा, आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की रिपोर्ट। आज आप आजमगढ़ नगर पालिका आए हुए, क्या है? मैं लाल बाबू वाल्मीकि, उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत मिशन, उसी के कड़ी में मैं आजमगढ़ के जनपद के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत का सर्वेक्षण कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें उपाध्यक्ष राज्य सफाई आयोग का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोनीत किया है और मैं इस वाल्मीकि समाज, स्वच्छता समाज, जो पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश में सफाई स्वच्छता के पेशे में लगे हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं और वो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक सांस्कृतिक विकास से कोसों दूर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उनको चेहरे पर चमक लाने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी को, बीजेपी सरकार को आवश्यकता पड़ा तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को भी हम लोग सफाई कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराएंगे और उसी के कड़ी में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में सफाई का सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कितना नगर निकाय जो है सफाई व्यवस्था करा रही है और जहां पर कमी है वहां उस अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता पड़ा तो उसके दंडात्मक भी कार्रवाई शासन हमारा उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जो है समाज के सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, छात्र हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, दलित हो, चाहे किसी वर्ग का लोग हो, पटरी दुकानदार हो, मुसहर समाज हो, अनुसूचित समाज में सबसे ज़्यादा कमजोर स्वच्छकार समाज, पासपोर समाज, धानुक समाज, इन जातियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास कराने में उनको मजबूत, जो उनके चेहरे पर चमक लाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री रात दिन 24 आवर्स काम कर रहे हैं।